हेलो फ्रेंड्स, आस्था की रसोई में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। इस भरते की खास बात यह है कि इसे ना तो भूनना पड़ेगा और ना ही उबालना पड़ेगा, और यह झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। ऐसा तरीका देखकर आप सारे तरीके भूल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो लंबे वाले बैंगन लिए हैं। आप इसकी जगह गोले वाले बैंगन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसके डंठल को काट देंगे और इसे छन्नी से छील देंगे। दोनों बैंगन को मैंने छील कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे दो तीन पीस में काट लेंगे। हमें इसे ना तो बहुत ज़्यादा मोटा ही काटना है और ना तो बहुत ज़्यादा पतला ही काटना है। एक बैंगन में हम चार टुकड़े कर देंगे। दोनों बैंगनों को काटने के बाद अब हम इसे एक बर्तन में पानी लेंगे और कटे हुए बैंगन को इसमें डाल देंगे ताकि यह काले ना पड़े। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ। गैस चूल्हे पर मैंने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका, अब हम इसी में डालेंगे आधा चम्मच जीरा, कद्दूकस की हुई थोड़ी सी अदरक, 5 से 6 कलियां कटी हुई लहसुन की। थोड़ी देर इसको हम अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसी में हम डालेंगे 6 से 7 साबुत लहसुन की कलियां। इससे भरते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसी में डालेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को डालकर इसको हम चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी हल्की लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसी में डालेंगे 1 लाल मिर्च, जिसको मैंने 2-3 टुकड़ों में तोड़ लिया है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसी में हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। इसमें मैंने 2 टमाटर की प्यूरी डाली हुई है। टमाटर प्यूरी डालने के बाद इसी में हम डालेंगे हरी मटर। टमाटर की प्यूरी और हरी मटर को डालकर इसको हम थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसालों को डालकर इसको हम चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना सेपरेट होने लगे। तेल अच्छे सेपरेट होने लगा है। अब हम इसी में डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालने के बाद इसी में हम लगभग 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी हमें बिल्कुल थोड़ा ही डालना है। पानी डालकर इसको हम चलाएंगे। चलाने के बाद इसी में हम डालेंगे मुट्ठी भर बारीक कटी हुई हरी धनिया। धनिया को डालने के बाद इसी में हम डालेंगे कटा हुआ बैंगन। एक एक करके सारे बैंगन को इसमें हम डाल देंगे। बैंगन डालने के बाद इसी में हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि बैंगन अभी पकने के बाद कम हो जाएगा। बैंगन डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद इसमें हम ढक्कन लगाकर इसको 7 से 8 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुका, अब हम ढक्कन हटाकर इसको चेक करेंगे। बैंगन हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम कलछुल से बैंगन को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि बैंगन खूब अच्छे से मिक्स ना हो जाए। बैंगन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, यह कढ़ाई में अच्छे से चिपकने लगा है। अब हम इसी में डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। धनिया को डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, झटपट बनकर तैयार है हमारा बैंगन का भरता। आप इसे रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी बनी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।